पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत को लेकर रामनगर में कांग्रेस ने भाजपा सरकार के खिलाफ एक घंटे का किया जोरदार धरना प्रदर्शन। आपको बता दें कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पीतल सिंह जी के आह्वान पर आज रामनगर में पेट्रोल और डीजल एवं गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर प्रदेश उपाध्यक्ष रणजीत सिंह रावत के नेतृत्व में रामनगर खनिखेत रोड खज्जूमल पेट्रोल पंप पर पहुंचकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक घंटे का जोरदार प्रदर्शन किया। साथ ही कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष रणजीत सिंह रावत ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि गैस पेट्रोल एवं डीजल में जिस तरह से बेतिहास मूल्य वृद्धि में हो जो बढ़ोतरी की गई है, भाजपा सरकार इस पर लगाम लगाने पर नाकाम रही है। साथ ही प्रदेश उपाध्यक्ष रंजीत सिंह रावत ने कहा कि इस डबल इंजन की सरकार भाजपा ने जो गैस पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लगाम नहीं लगा सकी, इतना ही नहीं जो सरसों का तेल कांग्रेस काल में 80 रुपए किलो से ऊपर नहीं बिका, आज भाजपा सरकार के राज्य में वही सरसों का तेल 200 के ऊपर मूल्य पार कर चुका है। वही रंजीत सिंह रावत ने बताया कि आज से MOQ बसों का संचालन 100% यात्रियों के साथ होना था, लेकिन KMO बस यूनियन ने डीजल की बढ़ती महंगाई को लेकर किराए में बढ़ोतरी को लेकर बसों का संचालन नहीं किया। इसके चलते पहाड़ को जाने वाले यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। KMO के द्वारा किराए की बढ़ोतरी को लेकर आज बसों का संचालन बंद है। हमारे संवाददाता ब्यूरो चीफ नाजिम कुरैशी की एक खास रिपोर्ट हो रही है, और खासतौर पर डीजल पेट्रोल जो है आसमान को उसकी कीमतें छू रही हैं। आज डीजल लगभग 90 और पेट्रोल कई जगह 100 से पार हो चुका है। जिस बात को हम पहले कह रहे थे वो सच साबित हुआ, जो नरेंद्र मोदी और उसके प्रवक्ता बाबा रामदेव कहते थे कि जब अच्छे दिनों की सरकार आएगी नरेंद्र मोदी की तो 30-35 रुपया लीटर पेट्रोल मिलेगा, 20-25 रुपया लीटर डीजल मिलेगा। आज उन्होंने 7 साल में जो है डीजल को 90 से ऊपर और पेट्रोल को 100 के पार पहुंचा दिया, जिसकी वजह से तमाम महंगाई बढ़ी हुई है। आज आप देख रहे हैं रामनगर से ही ये केमू के बगल में हम खड़े हैं। केमू सिर्फ इसलिए अपनी बसों का संचालन अब नहीं कर रही है कि जो है किराया बढ़ाया जाए, पहले तब हम बसों का संचालन करेंगे। जबकि पहले ट्रांसपोर्टरों की मांग थी कि सीटें 100% ले जाने की परमिशन हो आधी सीटों के बजाय, वो होगी तो आप वो किराया बढ़ाने की बात कर रहे हैं। बाजार में हर चीज़ में आग लगी पड़ी हुई है, चाहे अब जो सरसों का तेल 70 साल में, जब ये कहते हैं कांग्रेस के कार्यकाल में कुछ नहीं हुआ, वो सरसों का तेल 70-80 से ऊपर नहीं गया, आज वो सरसों का तेल 200 के पार पहुंच चुका है। आप नमक को देख लीजिए, किसी चीज़ को, कोई भी जींस हो खाने की, हर चीज़ में आग लगी पड़ी है। इसलिए हम इस सरकार के विरोध में सड़कों पर आज पूरे प्रदेश में कांग्रेस के लोग उतरे हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी के आह्वान पर। और हम कहना चाहते हैं भाजपा की ये डबल इंजन की सरकार को कि वो महंगाई को कम करे, लोगों को राहत दे, वरना उसे भारी जनाक्रोश का सामना करना पड़ेगा।